नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकाज वर्ड ऑफ न्यूरोलॉजी में और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। आज सीरीज का दिन है तो अब तक हम बात कर चुके हैं जून में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 4, 5 और 6 था। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पे नए हैं तो आप पहले जून की फर्स्ट सीरीज देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझने में और देखने में आसानी हो। और मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जून में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 7 है, मीन्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 है। आपके कारक ग्रह होते हैं नेपट्यून, चंद्र और बुध। आपका जो स्वभाव है और मीन्स सोचने की जो विचारों की जो शक्ति है आपकी या जो आपके दिमाग में विचार आते हैं वो दूसरे समझ नहीं पाएंगे, मीन्स दूसरों के लिए ये ग्रहणशील नहीं होगा क्योंकि आप ये सामने वाले को अपने बारे में जल्दी बताना नहीं चाहेंगे। आप असाधारण आदर्शवादी, संवेदनशील और उदार विचार वाले व्यक्ति हैं। काव्य प्रतिभा के धनी, स्वप्नदर्शी और आप जैसे लोगों में पाया जाता है कि जैसे जो घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं उनका कभी पूर्वाभास हो जाना, वो चीज़ें आप जैसे लोगों में पाई जाती हैं। आपके माइंड में हमेशा नए विचार आते रहेंगे या मनोविज्ञान कहते हैं, इवन वो कहते हैं झाड़ फूक वाली उन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट होगा और बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा। मीन्स आप इसमें अगर अपना लाइफ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और लेकिन आपकी ये खासियत है ना कि आप अपने ऐसे गुणों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं, मीन्स लोग सामने वाला जान नहीं पाएगा कि आपके अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं। आप लोग में लंबी यात्राओं के लिए विशेषकर जो जल मार्ग से होता है, मीन्स जो समुद्र से होता है, उसके लिए बहुत मतलब आपको अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें आपकी इच्छा पूर्ति वाली होती है ना कि हमारी ये इच्छा ये पूर्ति हो जाए, तो आप जल से संबंधित जगहों पे जाना, उससे घूमना, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। समुद्र, नदी या झील के निकट रहना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये अलग बात है कि उससे थोड़ा सावधान रहिए क्योंकि उससे दुर्घटना के भी चांसेस बनते हैं। जितना हो सके आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचा के रखें क्योंकि आप लोग में बचाने वाली प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं होती है। और आप जैसे लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं और प्रकृति के अपने आसपास ही रहना चाहते हैं। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, आपकी आर्थिक दशा कैसी रहेगी उस पर। तो रुपये पैसों के मामले में ना जीवन में आपके उतार चढ़ाव बहुत होंगे। कभी ऐसा होगा कि बहुत पैसा आ जाएगा, कभी लगेगा कि पैसा ही नहीं है। आपके पास ये भी हो सकता है कि वसीयत में आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिले, लेकिन दिक्कत यह है कि ये आपके आसपास जो लोग रहते हैं या कोई ऐसा जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं वो धोखे से वो पैसा ले ले, तो इसलिए आपको थोड़ा बच के रहने की संभावना है। आपकी आर्थिक दशा जो होती है वो बहुत निश्चित नहीं रहेगी, लेकिन जब आएगा तो अच्छे से ही धन आएगा। तो मेरा कहना ये है कि इन फ्यूचर मीन्स फ्यूचर के लिए आपको वो पैसे बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक नज़र आपकी हेल्थ पे भी डाल लेते हैं। आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा है, मीन्स शारीरिक रूप से तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन आप में चिंता करना या सोचना या विचारों का लगातार आना ये आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। उससे क्या होगा, पाचन तंत्र या थकान, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगी। समय समय पर निराशा या उदासीन भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। जुकाम, फेफड़े की कमजोरी, इस वजह से ही आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस बातों का थोड़ा ध्यान रखें। आइए आप बात कर लेते हैं आपके फ्रेंडली नंबर की। तो आपके फ्रेंडली नंबर हैं 2, 5 और 7। आपके आपका जो अट्रैक्शन होगा वो भी इन्हीं मूलांक वाले लोगों के साथ होगा। अपने लक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हरा, क्रीम, सफ़ेद या हल्के चमकीले कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आपके लकी स्टोन हैं मोती, चंद्रकांत मणि और हीरा। आइए अब बात करते हैं जून में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 8 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 है। आपके कारक ग्रह होते हैं बुध और शनि। ये कारण ये जो योग होता है वो एक अच्छा योग माना जाता है, मीन्स आपके जो भाग्यवादी गुण है, मीन्स जो लक वाला पक्ष है, लक का साथ रहने वाला पक्ष,
वो ज़्यादा उभर के सामने आएगा। लेकिन हाँ, जिस समय इस का प्रभाव कम हुआ तब ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी आपके साथ हो सकता है। वो किस मामले में, जैसे कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाना या किसी अपने का तुरंत आपके विरोध में चले जाना, और जब ऐसा समय आएगा तब आपको एहसास होगा कि आप बहुत कम लोगों पर ही विश्वास कर सकते हैं या भरोसा कर सकते हैं। यदि आपको बंधन से मुक्त किया जाए, मीन्स ऐसा वातावरण आपको ना हो कि जहां आपको लगे कि आप बंद के रह रहे हैं, तो आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। मीन्स स्वतंत्र रूप से आपको छोड़ा जाए तो आप बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं। और जो भी काम करें अकेले करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा ही सफलता की ओर आपको ले जाएगा, क्योंकि किसी पर भरोसा करना आपके लिए सही नहीं है। आप जैसे लोग जिस विषय पर काम करते हैं उस पर गहन चिंतनशील होते हैं, मीन्स बिना सोचे समझे किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब उसके बाल की खाल तक निकाल डालेंगे इतना सोचेंगे समझेंगे। छोटी छोटी अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है या कोई वर्कर है, अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो आप जैसे लोग चिड़ भी बहुत जाते हैं। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। आप जैसे लोगों के माइंड में हमेशा नए नए थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन ये जो थॉट्स हैं वो आपके आसपास के लोगों से मिलते जुलते नहीं होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। परेशानी और गलत फहमियों को शांत रखने के लिए इस दृष्टि में आपको थोड़ा काम करना होगा। जहाँ तक संभव हो सके, मतलब हवाई यात्रा, ये हवा वाली चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। मीन्स विमान की ही यात्रा आप समझिए, इनसे बच के रहना चाहिए। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पे। धन के मामले में भी आप लकी कहे जाएंगे। धीरे धीरे ही करके आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे कर लेंगे, या जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, जहाँ अकेले कर रहे हो आप, अगर बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ खुद के मालिक हों, भले आपके अंडर कोई काम करे, लेकिन किसी के साथ साझेदारी में बिजनेस करना आपके लिए एक कर नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं। सावधानी होने के बावजूद भी कभी कभी आपको हानि काम में उठानी पड़ सकती है, तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, अदरवाइज सफलता के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। अब एक नज़र आपके हेल्थ पर डाल लें। हेल्थ में भी वही गुस्सा, क्रोध, चिंता सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको यही करेगा, और बहुत इसकी वजह से बहुत शीघ्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इवन जगह प्लेस करने का काम, जगह चेंज करने का काम, चेंज करने का यहाँ तक सोचने लग जाते हैं। तो ये होता है कि तुरंत तुरंत विचार आना और उस विचारों पे अमल करना, और जो बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लिए जाते हैं वो आपने सुना होगा अक्सर ही गलत होते हैं, और जिसका यही सोच सोच के आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हमेशा सिर में दर्द बने रहने की संभावना हो सकती है, वो भी इसीलिए क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे और हड़बड़ी में बहुत जल्दी काम करने के, इस वजह से आपका स्वास्थ्य इफेक्ट हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत स्वास्थ्य के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं आपके फ्रेंडली नंबर के बारे में। तो आपके फ्रेंडली नंबर हैं 8 और 4, लेकिन यथासंभव आपको इन नंबरों से बच के रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर वो आ भी गए, अगर वो लाइफ में कहीं टकराते भी हैं नंबर 8 और 4 मूलांक, तो कोशिश कीजिए इसका फ़ायदा उठाने की, और इन्हीं मूलांक वाले लोगों के साथ आपका अट्रैक्शन भी रहेगा। अपने लक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप काले रंग के वस्त्रों से, मीन्स ब्लैक कलर से आपको बच के रहना है, और हल्के कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। आपके लकी स्टोन है काला हीरा, काला नीलम, काला मोती। आइए अब बात करते हैं जून में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 9 है, मीन्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 है। आपके कारक ग्रह होते हैं बुध और शनि। ये जो योग होता है, मीन्स आपकी बुद्धि को बहुत तेज बनाएगा, मीन्स कहते हैं ना तीव्र बुद्धि वाले लोग वो आप बनेंगे। लेकिन इसका एक जो कहते हैं कि निगेटिव पॉइंट ये भी होगा कि आप किसी भी बात को इतने अच्छे से समझ सकते हैं, या लेकिन एक बहस करने की प्रवृत्ति हो जाएगी, और बातों बातों में आप सामने वाले को कब हर्ट कर देंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। मीन्स बहस करना, मुफट प्रवृत्ति होना, ये योग आपको तेज बुद्धि के साथ भी ये निगेटिव पॉइंट्स भी मिलने की संभावना है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जैसे लोग आविष्कारक, यांत्रिक या ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ मशीनरी चीज़ें हैं, मीन्स माइंड वाले, बुद्धि वाले काम होते हैं, उस क्षेत्र में जाएंगे और आप लोग सफल भी रहेंगे। रस मतलब केमिस्ट्री, मैथ्स, विज्ञान से आपको प्रेम भी होगा। मीन्स कहते हैं ना लोगों को ये पसंद नहीं आता, लेकिन आप जैसे लोगों का होता है ये प्रेम होगा। आप लोग बहुत ही एक्टिव, एनर्जी आप में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी।
आप जैसे लोग स्वतंत्र प्रेमी होंगे, अगर कोई आप पे अंकुश लगाता है या कोई आप घर वाले इवन कहते हैं कि अंकुश लगा के रखेंगे, तो उसका आप विरोध करेंगे और उस माहौल में आप नहीं रह पाएंगे। आप इस वजह से क्या होता है ना कि कोई आपका अच्छा भी सोचेगा तो आपको कभी कभी लगेगा कि अरे हम पे अंकुश लगा रहा है, तो ये चीज़ें आपको बहुत इफ़ेक्ट करेंगी। इस वजह से भाई बहनों से या अपने घर वालों से आपकी जल्दी बनेगी नहीं। जहाँ तक बात है आर्थिक मामलों में, उतार चढ़ाव तो बहुत आएंगे लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी बुद्धि है। इवन प्रतिकूल परिस्थितियों में आप कभी आपको असफलता का सामना भी करना पड़ा तो वो कुछ देर ही आप उससे इफेक्ट रहेंगे, फिर आप मुस्कुराते हुए उठ खड़े होंगे और फिर उससे अपने एक नए क्षेत्र, नए काम की ओर, नए विचार की ओर लग जाएंगे। आप जैसे लोग प्रेम प्रसंगों में भी फंसे रहने की संभावना है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आइए अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस की। जहाँ तक बात है आपके फाइनेंशियल स्टेटस की, तो आपको भाग्य बहुत चांस देगा, मीन्स भाग्य का जो पक्ष मजबूत है आपको बहुत चांस देगा सफलता के पास जाने के लिए, सफलता के करीब पहुंचने के लिए। और इस मामले में आप भाग्यशाली भी रहेंगे और उस अपॉर्चुनिटी का ग्रहण भी करेंगे और उस पर फ़ायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी क्या होगा कि काम करने से, या जिसके साथ कभी आपने साझेदारी में बिजनेस किया या किसी के अंडर काम किया, उनसे आपके विचार मैच नहीं किए, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है और वहाँ जो आपका दुर्भाग्यपूर्ण जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और हाँ, पैसे तो आएंगे लेकिन उन्हें बचाने की भी कोशिश कीजिए, फ्यूचर के लिए पैसे बचा के रखने की कोशिश कीजिए। अब एक नज़र डाल लेते हैं आपके हेल्थ पे। जहाँ तक हेल्थ की बात है, आपको बीमारी से ज़्यादा दुर्घटना के चांसेस हैं, मीन्स वाहन से चोट लगने के, चलते समय गिर जाने के, या ऐसा कुछ हो जाने से जो अचानक होता है, तो जिसकी वजह से आपके बाँह, कंधा, कमर वाले जो पोर्शन हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें। आइए अब बात कर लेते हैं आपके फ्रेंडली नंबर के बारे में। तो आपके फ्रेंडली नंबर हैं 5 और 9, और आपका अट्रैक्शन भी इन्हीं मूलांक वाले लोगों के साथ होगा, और सबसे ज़्यादा घटनापूर्ण वर्ष भी यही मूलांक वाले रहेंगे, मीन्स 9 और 5। अपने लक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लाल और हल्के चमकीले कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और आपके लकी स्टोन हैं लाल, तांबड़ा, गुलाबी नग, हीरा या चमकीले नग। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करेंगे जुलाई में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 1, 2 और 3 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसमें जून में मैच करती हो, या इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई हो, उनके साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।